जिम्मेदारी, मेरी हर जिम्मेदारी का बोझ वो अपने संग बांट देती है। वो नारी ही तो है जो अपनों की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देती है। बचपन से ही मान मर्यादा रीति रिवाज का बोझ उस पर फोड़ दिया जाता है। लड़की होना भी गलत है उसे ये एहसास करवाया जाता है। उसके स्कूल जाने पर भी एतराज जताया जाता है, क्या करेगी पढ़ लिख कर जब अंत में ससुराल ही जाना है। बचपन से ही खाना बनाने के साथ साथ घर का हर जरूरी काम सिखाया जाता है। इन सब चीजों के बावजूद ससुराल में छोटी सी गलती पर रुस्क निकाला जाता है। कम उम्र में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। उसके हर सपने को पूरा करने वाली उम्र में उससे ये वाली आजादी भी छीन ली जाती है। शादी के लिए भी प्रथा के नाम पर दहेज मांगा जाता है। कोई अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है यार, पर पैसों के आगे इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन सब पीड़ा को सहने के बावजूद वो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। बचपन की भक्कड़ सी लड़की तुम्हारे लिए खाना तो छोड़ पानी भी नहीं पीती है। फिर भी हम उसके जज्बातों को कहां समझ पाते हैं। हम आदमी है ना साहब, हम गलत हो सके इन बात को हम कहां स्वीकारते हैं। पर अब तक बहुत हुआ, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, इस सोच को अपनाना होगा। रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर चल रही समाज की बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा। सबसे पहला कदम हमें नारी को शिक्षित करके बढ़ाना होगा। उसका हौसला बढ़ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते जाना होगा। दहेज जैसी सामाजिक बीमारियों पर अंकुश लगाना चाहिए। नारी को अपने नारी होने पर गर्व होना चाहिए। नारी खुद से एक मिसाल है जो हजारों की जिंदगी बदल सकती है। जो एक औरत के साथ साथ एक माँ, एक पत्नी, एक बहन और बेटी का किरदार निभाती है, सोचो वो अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर सकती है। सपने और हकीकत। चलो आज कुछ ऐसा किया जाए अपने सपनों को हकीकत से जोड़ा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर दोनों ही अपने काबिलियत के लिए मशहूर है। सपने तो आसमान है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, और हकीकत तो आप से भले अंगारे हैं जिन पर चल पाना इतना आसान नहीं है। सपने तो वो राह है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, पर हकीकत तो उन सपनों को भी तोड़ देती है। तो क्या हकीकत को देखकर सपने देखना छोड़ दें? तो क्या हकीकत को देखकर सपने देखना छोड़ दें या अपनी ख्वाहिशों के रुख को भी तोड़ दें? अगर नहीं तो चलो हकीकत को स्वीकारते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाने में जुड़ जाते हैं, मेहनत कर काबिलियत के हद सजाते हैं, अपने सपनों को अपनी मंजिल तक लेकर जाते हैं, अपने ख्वाबों के पंखों को ओर फैलाते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा हंसाते हैं, चलो ना अपनी जिंदगी को थोड़ा और कामयाब बनाते हैं। मेरे बचपन की बातों का जिक्र जब भी होता था, मेरे परिवार वाले बताते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हुआ करता था। जो ठान लिया वो जिद करके पा ही लेता था। उस वक्त भी छोटे ही सही, पर अपने हर सपने को पूरा कर दिया करता था। बहुत नादान था, सिर्फ खेल खिलौने और चंद पैसों में खुद को संतुष्ट पाता था। उस वक्त शायद जिंदगी के मायनों को समझ नहीं पाता था। पर इस बार ऐसा कुछ खास है जिसने मुझे वृद्ध से मिलाया है। बचपन से ही जवानी के सफर में मैंने बहुत कुछ बदलता हुआ पाया है, पर इन सब बदलाव के बावजूद भी आज भी मैंने खुद को उतना ही जिद्दी पाया है। तो जिद्दी तो उतना ही हुआ आज भी, बस मेरी जिद के मायने बदल गए। तो अब जिद है कुछ कर दिखलाने की, जिद है अपनी पहचान बनाने की, जिद है हर डर का हिम्मत से सामना करने की, जिद है अपने मंजिल को पाने की, जिद है अपने इरादों में हैंक मजबूत बनाने की, जिद है अपने हुनर से दुनिया जीत जाने की, जिद है अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानने की, जिद है खुद को और बेहतर बनाने की, जिद है समुद्र की गहराई नापने की,
जिद है, आसमान की बुलंदी को छू जाने की जिद है, और लिखते जाने की जिद है, लोगों को विश्वास दिलाने की कि तुम सब सब कुछ कर सकते हो, जिद है, कभी ना थकूंगा, जिद है, कभी ना रुकूंगा, जिद के साथ एक वादा मिली मुझसे, कभी हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा।